भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार की जा रही अनावश्यक टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी को खुद नहीं पता कि वो बोल क्या रहे हैं। दरअसल जफर इस्लाम आज मुरादाबाद के भाजपा कार्यालय में प्रेस से बात कर रहे थे। पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते भाजपा ने उन्हें कृषि बिल के विषय में जानकारी देने हेतु मुरादाबाद मंडल में भेजा हुआ है। जफर इस्लाम ने कृषि बिल पर किसानों में भ्रम पैदा करने के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस और स्थानीय पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर की जा रही टिप्पणी पर बोलते हुए कहा कि उन्हें खुद नहीं पता वो बोल क्या रहे हैं। कई बार तो उनकी टिप्पणी का पड़ोसी दुश्मन देश फायदा उठा चुके हैं और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी राहुल गांधी के बयानों से कांग्रेस को होने वाले नुकसान के बारे में बता चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने टीवी चैनल TRP प्रकरण पर बोलने से साफ मना कर दिया। कहने लगे जांच का विषय है, इस पर तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो केवल कृषि बिल पर बात करने आए हैं। देखिए मैं इस पर मैं नहीं बोलना चाहूँगा, इसलिए कि ये अभी मामला जो है इन्वेस्टिगेशन का है, अभी अलग अलग लोगों के सरकारों की प्रक्रिया आ रही है। मैं इस वक्त पूरी जानकारी जब तक मुझे ना हो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे इस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक चीज, राजस्थान में एक हॉरर केस हुआ है, आपकी नॉलेज में होगा। देखिए आज मैं बाकी चीज़ों के, वैसे तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, हर चीज़ों के बारे में बात करना कर सकता हूँ, मुझे अधिकार है, पार्टी ने अधिकार दे रखा है। लेकिन आज हमारा जो मूल कारण है यहाँ आने का, वो जो बिल जो विधेयक पास हुआ है उसके बारे में ही हम बात करेंगे। मतलब ये कहें कि भाजपा किसी मामले में बात नहीं करना चाहती है? नहीं, देखिए आज नहीं, आप अपडेट ही नहीं है, दोपहर 3-4 बज चुके हैं, आप अपडेट नहीं है किसी मामले में? नहीं, हम उस बारे में बात करना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि आज हम इस खास कारण से आपके सामने आए और उसके बारे में बात करना चाहते हैं। बात करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों में बात कर सकते हैं घंटों, लेकिन चूँकि हमारा कारण आने का है आपके बीच में, आपके समक्ष में, कि हम जो विधेयक पास हुआ है उसके बारे में